अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करें सब्सक्राइब पर, क्लिक करें बेल बटन पर नए वीडियोस के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मई टेक में। आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ फिल्मोरा के नए ऑप्शंस, जिसके अंदर एडिट, एक्सपोर्ट, रजिस्ट्रेशन और भी कुछ ऑप्शंस होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए मेरे इस पूरे वीडियो को। तो सबसे पहले हमने फिल्मोरा ओपन कर लिया, यहाँ पर क्लिक करते हैं फुल फीचर्स मोड पर। फिल्मोरा ओपन हो चुका है, इसके अंदर हमने जो फाइल ऑप्शन था वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट है एडिट। तो एडिट पर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, एडिट, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है कि कुछ कोई चीज़ अगर आपको काटनी है कोई वीडियो के अंदर से या कोई इमेज के अंदर से या कोई साउंड के अंदर से कोई स्प्लिट को, पर्टिकुलर स्प्लिट को, यानी कि 2 सेकंड को 1 सेकंड के या फिर उससे बड़े एक मिनट का, 2 मिनट का, जो भी आपको स्प्लिट करना है उसमें से हटाना है तो यहाँ से या तो हटा भी सकते हैं या उसको काट कर कहीं दूसरी जगह प्लेस करना है तो वहाँ पर भी आप मूव कर सकते हैं उस फाइल को। तो ये स्प्लिट है, नया ऑप्शन है। इसके बाद डिलीट आप लोग जानते ही हो, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सब आप जानते हो, नॉर्मल है, जनरली है। तो उसके बाद है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के अंदर है यहाँ पर फर्स्ट है क्रिएट वीडियो, यहाँ से आप नया वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू डिवाइस मीन्स अगर आप डिवाइस जो है वो आपके पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट है तो यहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक कीजिए एक्सपोर्ट टू डिवाइस और जो भी डिवाइस होगा वो सेलेक्ट कर लेगा और डिवाइस के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर नया ऑप्शन है अपलोड टू यूट्यूब, अपलोड टू फेसबुक एंड अपलोड टू वीमो, यानी डायरेक्टली अगर आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो यहाँ से ही डायरेक्ट आप उसको अपलोड करना चाहते हो तो फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद आपके अगर कोई डिवी अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले, आपका वर्क जो भी आपको एडिटिंग करनी थी वीडियो के अंदर या जो भी कुछ ऐड करना था, तो फाइनल एडिटिंग के बाद अगर आप डायरेक्टली यहाँ से डीवीडी बर्न करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसकी डीवीडी बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प के अंदर जो वंडरशेयर फिल्मोरा से ऑनलाइन हेल्प के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। प्रोडक्ट की FAQ के बारे में, सपोर्ट सेंटर को अगर आपको कोई प्रॉब्लम सोल्व आउट करनी है तो यहाँ से लिख सकते हैं। न्यू फीचर्स, फिल्मोरा के अंदर नए नए फीचर्स आते रहते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट के लिए यहाँ से आप ले सकते हो। फिल्मोरा के बहुत से ऐसे नए फीचर्स है जिनका आप या तो पैसे देकर खरीद सकते हो या फिर आपके अगर रजिस्टर्ड कस्टमर हो तो आपके पास मैसेज भी आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं आप आगे बताऊंगा कहाँ पर आते हैं नोटिफिकेशन। उसके बाद वंडरशेयर फेसबुक ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हो। चेक फॉर अपडेट, यानी कि अगर कोई नया वर्जन आता है तो अपडेट कर सकते हो। प्रोडक्ट पेज पर जा सकते हो और अबाउट के बारे में आप देख सकते हो कि कौन सा वर्जन, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि फिल्मोरा 8.0.1 है और जो भी है ऑफिशियल डिटेल वो सब बता देगा। देखिए ऑटोमेटिकली ये रन कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये सब आप देख सकते हो। उसके बाद है मेन रजिस्टर का। रजिस्टर के अंदर ये होता है कि जैसे मेरा जो अभी फिल्मोरा मैं यूज़ कर रहा हूँ वो क्रैक्ड है, तो मैं ये भी बताऊँगा आपको आगे के वीडियो में कि इसे कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर के लिए मोर इफेक्ट पर क्लिक करते ही ऑफिशियल साइट पर रीडायरेक्ट करेगा और आप नए इफेक्ट जो है वो देख सकते हैं और ले सकते हैं। ये मैसेज सेंटर, इसकी मैं बात कर रहा था कि अगर कोई फिल्मोरा का नया अपडेट आ रहा है, देखिए 7 जुलाई 2017, 29 जून 2017, 27 मार्च 2017, यानी कि जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं, नए नए फीचर्स आते हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन भेज देता है ऑटोमेटिकली, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, इनको खरीद सकते हैं या इनको डाउनलोड कर सकते हैं अगर फ्री अवेलेबल है तो। उसके बाद ये ऑप्शन है लाइट स्क्रीन, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो लाइट स्क्रीन कर सकते हैं या डार्क स्क्रीन कर सकते हैं, तो बेस्ट मेरे को डार्क स्क्रीन ही लग रहा है तो डार्क ही रहने देते हैं। उसके बाद ये जो आप जानते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं या रिस्टोर कर सकते हैं और ये क्लोज का ऑप्शन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो में हम मीडिया, म्यूजिक और ये जितने भी ऑप्शन है इनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नीचे जो थम्स अप है उस पर क्लिक कीजिए मेरा वीडियो लाइक करने के लिए, शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि नए जो फिल्मोरा का वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन नोटिफिकेशन फॉर कीप अपडेट विद माय चैनल।